होंडा मेज भारतीय बाजार में होंडा की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है और इस गाड़ी की अभी तक 4.5 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी है। साल 2018 में इसका नया जनरेशन अवतार आया था और अब कंपनी ने इसे साल 2021 में फेसलिफ्ट अवतार दे दिया है। तो फेसलिफ्ट अवतार के तौर पर कंपनी ने इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में बदलाव किए हैं। हालांकि इसका जो दिल वो सेम है, यानी कि इसका इंजन आपको सेम मिलता है, लेकिन एक्सटीरियर और इंटीरियर में थोड़े बहुत बदलाव कंपनी ने किए हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि क्या ये वाकई पुराने मॉडल के मुकाबले बहुत ज़्यादा बदल गई है या थोड़ी सी बदली है, और ये आपकी चॉइस अभी भी बन सकती है या नहीं। मेज फेसलिफ्ट के सबसे पहले अगर हम चेहरे से बात करें तो इसका चेहरा पूरी तरह बदल गया है। इसमें जो इसकी ग्रिल है, यहां पर आपको होंडा सिविक और होंडा सिटी की थोड़ी सी छाप देखने को मिलेगी। जी हां, इसमें मिलती है डबल क्रोम स्लेट ग्रिल और ऊपर की तरफ बड़ा सा क्रोम गार्निश देखने को मिल जाता है। होंडा का लोगो देखने को मिल जाता है, क्रोम नहीं है, सिर्फ क्रोम फिनिशिंग है यहां पर। इसके अलावा कंपनी ने यहां पर प्रोजेक्टर हेडलाइट दी है जो कि काफी बढ़िया लग रही है। और नीचे की तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पर जो फॉग लैम्प की हाउसिंग है, यहाँ पर भी कंपनी ने क्रोम का इस्तेमाल किया है। साइड प्रोफाइल में आते हैं तो यहाँ पर कंपनी ने 15 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स दिए हैं, और साथ ही साथ जो डोर हैंडल्स है, यानी कि यहाँ पर अगर आप डोर हैंडल्स की तरफ देखते हो तो यहाँ पर भी क्रोम का इस्तेमाल देखने को मिल जाता है। हालांकि डायमंड कट एलॉय व्हील्स और क्रोम का डोर हैंडल्स पर इस्तेमाल, ये सिर्फ और सिर्फ आपको होंडा अमेज के टॉप वेरिएंट यानी कि VX मॉडल में ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर कंपनी ने जो सबसे बड़ा बदलाव किया है वो है इसकी LED टेल लाइट। यहाँ पर अब डबल सी देखने को मिल जाता है, जबकि पुराने वाले वेरिएंट में आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल सी ही देखने को मिलता था। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर आप आते हो तो यहाँ पर भी क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। रियर स्किड प्लेट काफ़ी बढ़िया लगता है। और चलते हैं अब इसके अंदर और जानते हैं कि वहाँ पर कंपनी ने क्या क्या बदलाव किए हैं। होंडा अमेज फेसलिफ्ट के जैसे ही आप इंटीरियर में आते हैं तो सबसे पहले अमेज के स्टीयरिंग व्हील पर, डैशबोर्ड पर और जो भी टच पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं वहां पर कंपनी ने सिल्वर गार्निश का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा अगर आप सीट्स की तरफ देखते हैं तो यहां पर भी स्टिचिंग पैटर्न थोड़ा सा नया कर दिया है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और कंपनी ने ये जो लैम्प है ये भी अब नया दिया है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं ये जो 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, यहाँ पर भी कंपनी ने कुछ बदलाव किए हैं और इसका टच एंड सेंस पहले के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया हो गया है। इसके अलावा अगर हम रियर पार्किंग कैमरा देखते हैं, जैसे कि मैं आपको रियर पार्किंग कैमरा दिखा देता हूँ, तो ये भी अब पुराने अमेज के मुकाबले नया कर दिया है और इसमें 2-3 पैटर्न मिल जाते हैं, थोड़ा वाइड एंगल, एक्स्ट्रा वाइड और थोड़ा क्लोज एंगल। तो ये सारी चीज़ें कंपनी ने अमेज में चेंज की हैं। हालांकि बाकी की जो चीज़ें हैं वो सेम पुराने मॉडल जैसी ही आपको देखने को मिलती हैं। होंडा अमेज के रियर सीटों पर आते हैं तो यहाँ की कहानी थोड़ी सी अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि इस सेगमेंट की गाड़ी में जितना स्पेस आप एक्सपेक्ट करते हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही अमेज आपको ऑफर करती है। काफ़ी अच्छा खासा कम्फर्ट मिल जाता है, हेडरूम की कोई दिक्कत नहीं होती है, लेग रूम भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, अंडरनीथ थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है और शोल्डर रूम भी काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बैठकर अगर आप लंबे सफ़र पर जा रहे हो और भीषण गर्मी के मौसम में जा रहे हो तो आपको एक दिक्कत ज़रूर होगी, वो है यहाँ पर AC वेंट नहीं मिलता। जी हाँ, आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि AC वेंट होना बहुत ज़रूरी था। हालांकि यहाँ पर एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, 1 लीटर की बॉटल रखने की जगह मिल जाती है और साथ ही यहाँ पर आपको एक आर्मरेस्ट भी मिल जाता है और इसमें 2 छोटे-छोटे कप होल्डर्स भी आपको मिल जाते हैं। तो चलते हैं इसकी ड्राइव पर और जानते हैं कि ये चलाने के मामले में कैसी है। हालांकि इसमें जो इंजन है वो सिम पुराने मॉडल वाला ही है। होंडा अमेज फेसलिफ्ट के इंजन ऑप्शंस की बात करें तो कंपनी ने इसमें दिया है 1 डीजल इंजन और 1 पेट्रोल इंजन। ये दोनों ही इंजन सिम वैसे ही हैं जो कि आपको प्री फेसलिफ्ट वर्जन में मिलते थे। पेट्रोल इंजन की बात करें जो कि हम अभी चला रहे हैं, 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है और ये 89 bhp की पावर के साथ 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। वहीं अगर हम दूसरे इंजन ऑप्शन की बात करें यानी कि डीजल इंजन की, तो उसमें जो मैनुअल वेरिएंट है उसकी पावर आपको थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है, 99 bhp और 200 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। वहीं अगर CVT
डीजल की बात करें तो उसमें पावर आपको कम मिलने लगती है, जो कि हो जाती है 79 bhp और 160 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो फिलहाल हम चला रहे हैं होंडा अमेज फेसलिफ्ट पेट्रोल CVT, तो बात भी हम सिर्फ इसी इंजन वेरिएंट की करेंगे। होंडा का 1.2 लीटर का IVTEC इंजन हमेशा से ही बहुत रिफाइंड रहा है और CVT गियरबॉक्स के साथ इसे चलाना काफी आसान रहता है। इंजन किसी भी तरह की आवाज नहीं करता और ना ही किसी तरह की वाइब्रेशन पैदा करता है। ट्रैफिक हो या फिर सिटी में, पेट्रोल इंजन हमेशा आपको खुश रखता है। मिड रेंज में पावर फ्लैट है और अगर आप क्विक ओवरटेक भी करना चाहते हैं तो वो भी आराम से कर सकते हैं। CVT गियरबॉक्स के साथ गियर शिफ्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होती, आसानी से ये ट्रांसमिशन अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट कर लेता है। खराब सड़कों पर भी इसकी राइड क्वालिटी बढ़िया है और ड्राइवर सीट से चारों तरफ की विजिबिलिटी बढ़िया मिलती है। कम एक्सपीरियंस वाले ड्राइवर भी इसे आसानी से चला सकते हैं। वहीं अगर फन टू ड्राइव करना चाहते हैं तो तेज रफ्तार में कॉर्नरिंग के दौरान ये गाड़ी आपका कॉन्फिडेंस नहीं गिरने देती। हाईवे पर अगर आप 100 km/h की रफ्तार से भी ऊपर चला रहे हैं तो ये एकदम स्टेबल रहती है और रोड से चिपक कर चलती है। ओवरऑल इसकी ड्राइव क्वालिटी, इसकी राइड क्वालिटी सब कुछ बढ़िया है। तो दोस्तों, आपको होंडा अमेज फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर और इंटीरियर के बदलाव कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। भारतीय बाजार में इसकी कीमत शुरू होती है 6,32,000 रुपए से, जो कि जाती है 11,15,000 रुपए एक्स शोरूम। भारतीय बाजार में इस गाड़ी का मुकाबला मारुति डिजायर और Hyundai Aura से है। उन दोनों गाड़ियों के मुकाबले इस गाड़ी की कीमत काफी ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं अमेज फेसलिफ्ट को खरीदा जाए या नहीं। दिखने में ये गाड़ी काफी बढ़िया लगती है, डिसेंट लुक के साथ ये नजर आती है। इसके साथ ही इसका जो पेट्रोल इंजन है वो अपने सेगमेंट में काफी पावरफुल नजर आता है। हालांकि मुझे लगता है कंपनी इसमें थोड़े से और फीचर्स ऐड कर देती तो ये अपने सेगमेंट में दमदार साबित होती। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही अपने उन दोस्तों से भी ये वीडियो जरूर शेयर करें जो कि कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में एक नई गाड़ी की तलाश कर रहे हैं।